हॅलो, वेलकम टू रिजन्सी अनंतम. मग तुम्ही कुठले फ्लॅट्स बघितले? आम्ही हे सॅम्पल फ्लॅट इथले बघितले. आम्ही जस्ट आज ओपनिंग आहे म्हणून आलो इथे. आवडले, छान आहेत दोन पण. आम्ही 1 BHK बघत होतो, पण 2 BHK सिम्पल सॅम्पल रेडी आहे ना. छान वाटलं आम्हाला. आणि फर्निश फ्लॅट पण खूप छान आहे. तुम्ही कुठल्या फ्लॅटसाठी बघताय? 2 BHK, 1 BHK? 2 BHK साठीच बघतोय. आणि छान वाटलं आम्हाला, मस्त आहे इथे. तुम्ही कुठे राहता? मी डोंबिवली ईस्टला वेस्टला राहतो. अच्छा, मग तुम्हाला हे कुठून कळालं की इकडे आज लॉन्च आहे? माझा मुलगा इथे क्रिकेटला येतो, त्याच्यामुळे आम्ही इकडे फ्रेंड्स वगैरे बघत आलेलो. आणि माझ्या मिस्टरांचे फ्रेंड्स आहेत, त्यांनी सांगितलेलं इकडे आम्हाला. अच्छा, तुमचे काय रिक्वायरमेंट्स होते फ्लॅट मध्ये? म्हणजे तुम्ही काही ठरवून आला असाल की घरातून की काय हवंय, काय दिलं पाहिजे? हा, ऍक्च्युली लोकेशन छान आहे, अजून स्पेस हवा होता भरपूर. आणि बाकीच्या सगळ्या फॅसिलिटीज इथे अवेलेबल आहेत का ते हवं होतं आम्हाला. छान वाटलं आहे सगळं, हवेशीर आहे, मस्त मोठं स्पेशियस आहे, छान आहे. नेचर वाईज आवडलंय तुम्हाला? तुला काय हवंय ते सांग. ऍक्च्युली पूर्वीपासून डोंबिवलीत राहतो, त्याच्यामुळे आम्ही जास्त प्रेफरन्स यालाच दिलं की आमच्या मुळात डोंबिवलीत चांगला प्रोजेक्ट होतोय. तर तुम्हाला डोंबिवलीमध्येच काहीतरी चांगलं हवं होतं? आम्हाला डोंबिवलीमध्येच हवं होतं. छान आहे, आम्ही नक्कीच पुढे बघतो आता की काय करायचं ते. तू सांग मला, तुला कसा वाटला रूम? खूप छान वाटला मला. आणि तुला काय काय अजून काय काय खेळण्यासाठी काही हवं होतं? स्विमिंग पूल, तू सांग तुला काय काय हवं होतं? सगळ्यात मस्त म्हणजे स्विमिंग पूल, जिम आणि म्युझिक, स्पोर्ट्स, त्याच्यासाठी जास्त मुलांना, त्याच्यासाठी ते खूप आवडलं आम्हाला की ज्या फॅसिलिटीज तुम्ही देणार आहे त्या ऍक्च्युली असणारच आहेत ना सगळ्यात. त्या आम्हाला खूप आवडल्या की सगळं आतमध्येच असणार आहे. आणि मेन हायवेला रोडला रोड टच असल्या कारणाने ते महत्वाचं आहे की आम्हाला स्टेशन जवळ आहे, शाळा जवळ आहे, ट्रॅव्हलिंग साठी पण कन्व्हिनियंट आहे. कन्व्हिनियंट आहे ते महत्वाचं आहे की आम्हाला ते, कारण खूप आतमध्ये जाण्यापेक्षा हे मध्ये आहे ते जास्त आम्हाला आवडलं आहे. आणि सगळ्या गोष्टी आतमध्ये असणार हे जास्त आवडतं. आणि मग कधी प्लॅन करताय घेण्याचा, दसरा दिवाळी? नक्कीच नक्कीच, आज सगळं आम्ही बघून येणार आहे आता आतमध्ये, आणि त्याच्यानंतर वाटलं लगेच बुक करणार आहे आम्ही. थँक्यू सो मच, हॅव अ नाईस. कैसा लग रहा आपको घर बुक करके? एक तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ये वैसे सेकंड है, बट जो न्यू बुकिंग है वो फर्स्ट थी, फर्स्ट बुकिंग है. इनका मतलब जो लोकेशन वगैरह देखा हुआ है हमने, वो बहुत अच्छा है. आपने 1 BHK बुक किया है, 2 BHK बुक किया है? ओके, तो आपने सैंपल फ्लैट तो देखा ही रहेगा, उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? एलिवेशन वगैरह बहुत अच्छा है, और जो उन्होंने फैसिलिटीज दी है और जो एमिनिटीज दी है वो भी मतलब दे आर गुड क्वालिटी. और कोई ऐसी एमिनिटीज जो आप ढूंढ रहे थे और आपको जो एजेंसी ने फुलफिल की है, ऐसी कोई एमिनिटी है? तो आपने सोचा रहेगा घर से कि स्पोर्ट्स क्लब चाहिए, तो फिर आपने ऐसा कुछ सोचा था एमिनिटीज, या फिर नेचर वाइज घर चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब जैसा मैंने सोचा था ना पूरा वैसा ही है. ओके, सो यू आर हैप्पीली फुलफिल एंड एक्साइटेड फॉर द न्यू होम. थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम टू रेजेंसी अनंतम, हैप्पी दसरा. कैसा लग रहा है आपको घर बुक कर? लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज अ न्यू स्टार्ट ऑफ आवर इवनिंग. वी आर रजिस्टर्ड अ न्यू फैमिली. यू आर न्यूली मैरिड? या, वी आर 3.5 years old. ओके, यस, बट यू कैन से इट इज अ न्यूली मैरिड बिकॉज़ वी आर इन न्यू हाउस, न्यू बिगिनिंग, दैट्स ट्रू. ओके, आपने 1 BHK बुक किया, 2 BHK? 2 BHK. ओके, सो व्हाट आर द एमिनिटीज यू लाइक द मोस्ट, यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल. कुठून आलात तुम्ही? डोंबिवलीमधूनच. अच्छा, मग तुम्हाला हे रेजन्सी अनंतमने जे लॉन्च केलं आहे आता नवीन, तर ते कसं कळालं? म्हणजे कुठलं ऍडव्हर्टाइजमेंट? नाही, न्यूजपेपरमध्ये ॲड बघितलं. ओके, सर, तुम्ही 1 BHK बघायला आलात की 2 BHK? काय प्लॅन करून आले? 2 BHK. सो घरातून येताना काही अमेनिटीज की तुम्हाला हे हवं आहे किंवा नेचरशी रिलेटेड घर हवं आहे असं काही ठरवून आलेलं आहात का? घरामध्ये हवा आणि प्रकाश मिळून पाहिजे, आणि ते घर स्टेशनपासून जवळ पाहिजे. कंडिशन्स फुलफिल होत आहेत इकडे आल्यानंतर असं वाटतंय. आणि तुम्ही हा 2 BHK जो फर्निश फ्लॅट बघितला, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय वाटतंय की म्हणजे फ्लॅट बघितल्यावरती काय? खूप छान आहे, खूप
चांगला के लिए रिजन्सी फर्स्ट फेज पम्मी बगित खूब चांगला है रिजन्सी का पहला फेज पांगला है आम्ही इकडे आलेलो अजून काही रिक्वायरमेंट्स ज्या तुम्हाला नाही मिळाले असं तुम्हाला वाटतंय 2BHK मध्ये नाही आहे व्यवस्थित आहे सगळं आहे ज्या अपेक्षेप्रमाणे सगळं आहे ओके सो कधी प्लॅन करताय घेण्यासाठी बुक करण्यासाठी काही प्लॅनिंग केलंय दिवाळी किंवा दसरा दसरा तर खूप जवळ आलाय बघूया होप सो दसऱ्याला करावा असा विचार आहे बघूया ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू थँक्यू तो अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम देखने के लिए और कितना स्पेस है इसके अंदर क्या है आइए देखते हैं सो ये है दूसरा रूम जो कि है मास्टर बेडरूम सो आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी स्पेस है और ऑलरेडी कुछ फैमिलीज है जो यहाँ पे घर देख रही है तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगता है एक्सक्यूज मी सर सर आपने ये घर देखा आपका क्या कहना है इट्स काफ़ी बहुत अच्छा है मींस कंस्ट्रक्शन वाइज इट्स गुड क्वालिटी मींस रीजेंसी इट्स वेल नोन एंड विथ फर्निश्ड जो अंदर किया है दैट इज़ वेरी गुड और स्पेशियस है एंड ईच एंड एवरी स्पेस इज वेरी वेल यूटिलाइज्ड इट्स वेरी गुड सो इफ आई आस्क यू टू नेम ओनली थ्री थिंग्स द टॉप थ्री थिंग्स दैट जस्ट पुल्ड यू अवे इन दिस पुल्ड यू ओवर हियर टू सी दिस फ्लैट ऑफ सी दिस सोसाइटी व्हाट वुड यू से फर्स्ट इज द रीजेंसी सेकंड इज द लोकेशन इट्स वेरी गुड मींस कल्याण स्टेशन इज वेरी नियर डोंबिवली स्टेशन इज वेरी नियर योर शिल फाटा योर नवी मुंबई रोड इज वेरी नियर एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन सो मैम आपका क्या कहना है इसके बारे में अच्छा है बहुत अच्छा आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे वही जो लोकेशन बोला वही लोकेशन के हिसाब से हम लोग अच्छा लग मेन थिंग लोकेशन इज द मेन मॉल इज आल्सो कमिंग जस्ट नियर बाय जस्ट बिसाइड योर मेन रोड सो लोकेशन इज वेरी गुड सो लोगों का कहना है कि लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है दिस इज राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी इन डोंबिवली सिटी सर्वात पहिले तुम्हाला हार्दिक अभिनंदन फ्लॅट बुक केल्याबद्दल आणि दशऱ्याचं पण तुमचं नाव काय सुजाता सिद्धार्थ कोसे माझे सिद्धार्थ कोसे मिस्टर अँड मिसेस कोसे मला हे सांगा तुम्ही आता फ्लॅट बुक केलाय तुम्हाला कसं वाटतंय खूप बरं वाटतंय आणि खूप आनंदाची गोष्ट बघायला चालवतो फक्त साइड विजिट असंच जाऊन येऊया पण आम्ही सकाळी आलो आणि आता आमचं फ्लॅट बुक झालं म्हणजे तुम्ही आले फक्त बघायला तो हा रेजन्सी अनंत म्हणजे आनंद तुम्ही बघून एवढे आनंदित झाला का तुम्ही बुकच करून टाकलं लगेच बुक करून टाकलं असं काय बघितलं तुम्हाला असे कोणते वस्तू बघितलं किंवा काय बघितलं की तुम्हाला एवढा आनंद झाला की तुम्ही बुकच करून टाकला विशेष म्हणजे डोंबिवली सारख्या एरियामध्ये एक इतका छान सुंदर कॉम्प्लेक्स बनत आहे हे बघून खूप मला आनंद वाटलं आणि एम्युनिटीज आता जे दाखवतात ते खरोखरच जर आपल्याला वापरायला मिळाले तर खूपच आनंद होईल ते बघूनच खूप आनंद झाला आणि म्हणून बुक केलंय होम मिनिस्टरचं काय म्हणणं तेच अम्युनिटीज आम्ही ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये राहतो तिथे अम्युनिटीज नाही आहेत आम्ही पण कॉम्प्लेक्स मध्येच राहतो लोकधाराला पण तिथे अम्युनिटीज नाही आहेत मग आता पुढचं आयुष्य अम्युनिटीज मध्ये घालवायचं नाही का ओके तर तुम्हाला सर्वात कॉंग्रॅच्युलेशन आणि ऑल द बेस्ट वन्स अगेन ओके थँक्यू अच्छा सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे बताइए आपने अभी फ्लैट बुक किया है कितना 1BHK 2BHK कॉन्ग्रेचुलेशन व्हाई रेजेंसी रेजेंसी में ही क्यों क्योंकि इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट हुआ है रेजेंसी का तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो वो टाइम पे मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरा बजट नहीं था और पता नहीं वो कैसा बनेगा क्या बनेगा वो बहुत डाउट्स थे पर वो डाउट्स क्लियर हो गए जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो तब मुझे बहुत पछतावा हुआ कि नहीं क्यों नहीं ले पाई मैं तो अभी मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर रेजेंसी का कोई प्रोजेक्ट हो गया तो पहला मैं जाऊंगी और मैं ले लूंगी तो वो बहुत सेटिस्फैक्टरी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया और उधर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहते हैं तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट ये वो तो और जान बहुत जली मेरी तो अभी सोचा कि नहीं अभी तो लेना ही है तो मेरे हस्बैंड को मैंने फोर्स करके इधर लेके आई और मैंने बुकिंग किया सुपर मुझे बताइए आपने कैश पेमेंट किया है लोन किया है कैसे वो उन्होंने जो दिया है कि 5% उन्होंने अभी ऑन द स्पॉट बोला है देने के लिए वो हमने चेक पेमेंट किया है और बाकी का हमने लोन किया है तो आपको लोन फैसिलिटीज यहाँ पे आपके इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है आपको लोन भी सारी एक डोम के नीचे मिल रही है वो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमको ज़्यादा इधर भाग उधर भागम दौड़ी नहीं करना पड़ा ये टाइम कंज्यूम हो गया हमारा
और उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी है, मतलब एक ही रूफ के अंदर। इवन दो उन्होंने ब्रंच भी लगा, लंच भी रखा, कॉफ़ी टी सब रखा म्यूजिक के साथ में। एक एनवायरनमेंट इतना पीसफुल हुआ, लगा ही नहीं कि हम कुछ ऐसा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना पैसे का मतलब सर टेंशन होता है कि लगा पिकनिक के लिए आ गए। हाँ, पिकनिक के लिए। और ऑफ कोर्स रेजेंसी का वो जो उन्होंने दिया है फैसिलिटीज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। Thank you once again and congratulations and all the best. Hello, welcome to Regency Anantam and happy Dasara. कैसा लग रहा है आपको घर बुक करके? तो अच्छा लग रहा है, we are both are excited, so और हमारे ये first घर है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा घर बुक किया आपने, 1 BHK, 2 BHK? BHK और मेरे फादर ने 2 BHK। ओके, तो आपने दो दो घर बुक किए हैं। ओके, सो और आप बताइए कि आपको ऐसे कौन से एमिनिटीज सबसे ज्यादा पसंद आए? अमिनिटीज तो सारे अच्छे हैं, पर हमको मेन मजा ये फर्स्ट घर था, तो हमको पहले घर बुक करना था, तो ये इसके अलावा सारे अमिनिटीज भी मिल रहे हैं, तो वी आर सो हैप्पी। और सर, आपको कोई अमिनिटीज जो पसंद आई है, या फिर आपको कौन सी ऐसी चीज पसंद है कि आपने रेजेंसी अनंतम में घर बुक कर लिया? पूल चाहिए, मस्त की स्विमिंग पूल चाहिए। हां तो है ना, स्विमिंग पूल है ना, पानी रहेगा। हां सर, रहेगा पानी। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आपका नाम क्या है? पायल तिवारी। पायल तिवारी। प्रकाश मोटवानी। अशोक सचदेव। सर, आप लोगों को क्या ऐसी जो चीज़ है यहाँ पर खींच के लेके आई यहाँ पे रेजेंसी फैमिली को देखने के लिए, इस फ्लैट को देखने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर खींच के लेके? सी, बेसिकली वी आर वास्तु कंसल्टेंट, अशोक सचदेव एंड माई सेल्फ, तो वी नो द एनर्जी पार्ट। ओके, तो यहाँ की जो ग्राउंड की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हम लोगों को, तो हम लोग वो ज़्यादा चेक करने आए हैं। जो और हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर मोटवानी, उनको लिए भी हमने फाइनल किया फ्लैट। okay. यहाँ पे। हाँ जी, आपने एक फ्लैट बुक कर लिया सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अगर मैं आपको पूछूं, अगर कोई तीन चीज़ें आपको बतानी हो किसी को कि ये तीन चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर टॉप थ्री थिंग्स, व्हाट वुड बी दोस थ्री थिंग्स? एक तो प्राइस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस फ्लैट्स इन द एरिया, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस फ्लैट्स इन दिस एरिया। दूसरा जो है रीजेंसी का जो रेपुटेशन है, तो एक बार जो अश्योरेंस देते हैं वो करते हैं। और तीसरा जो उनका मुहूर्त रहता है, मुहूर्त में ही फ्लैट का पैसा वसूल है। वाओ, सुपर सर, आप? हाँ, वेल, आई लाइक द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड, इट इज सो गुड दैट आई थिंक एनीबडी हु बाइज ओवर हियर इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, एंड इट इज अ प्लेस वर्थ इन्वेस्टिंग। आई थिंक इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर द सेलर एंड द बायर। एनीथिंग यू लाइक टू से फॉर द बिल्डर्स और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो यहाँ पे सुन रहे हो आपको? Actually, I would highly recommend people to buy a place in this area because the project is very large, it is open, self-contained, and it is really going to help people in the long run. It's a very, very beautiful concept and well executed. I like that. Anything you'd like to add? I'll say the people as a Regency group, I know the family personally. I know they are very reliable, so my money is safe. Okay. Anything you'd like to add? It's very good place. Please go ahead with it. तो आप देखिए, मोटवानी सर और सजीव सर ने तो अपना पैसा बिल्कुल ही इन्वेस्ट करके सेव कर लिया है, तो आप किस लिए रुके? आप भी आइए और अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपने लिए एक अच्छा सा फ्लैट बुक कर लीजिए। सर्वात पहले तो तुम्हारा घर बुक केले बदल हार्दिक अभिनंदन। तुमचं नाव काय सर? योगेश। योगिता। आदित्य। सावनी। सावनी, अच्छा तुम्ही जे घर बुक केलंय इन्वेस्टमेंट पर्पज साठी केलंय, राहण्यासाठी केलंय, कशासाठी केलंय? राहण्यासाठी। मला सांगा, जर की तुम्हाला विचारू तुम्हाला कोणती असे पाच एमिनिटीज किंवा फॅसिलिटी असे एकदम चांगली वाटली की मला इकडेच घर घ्यायचं, असं काय? फर्स्ट, एक तर लोकेशन आहे, आणि परत इकडचं जे अमेनिटीज मिळत आहेत, परत व्हॅल्यू फॉर मनी आहे फर्स्ट ऑफ ऑल, आणि बाकी सगळे बँक्स, कॉलेजेस, स्कूल सगळे प्रॉक्सिमिटीमध्ये म्हणून ठीक आहे। ते अमेनिटीज तुम्हाला एकदम युनिक वाटल्या किंवा एकदम चांगल्या वाटल्या? लायब्ररी मुलांसाठी, एक सीनियर सिटीजन त्यांच्यासाठी वेगळं, लहान मुलांसाठी वेगळं, आणि परत त्यांच्यासाठी जे ग्राउंड प्ले एरिया, ग्रीन एरिया जे ठेवलेत ते खूप चांगले। काय म्हणणं सर? हो, तेच आहे, बरोबर सर। वन्स अगेन कॉन्ग्रॅच्युलेशन आणि ऑल द बेस्ट। ओके सर, सो वेलकम टू रेजेंसी अनंतम। आप हमें बताइए कि आपको जो आपने अभी सैम्पल फ्लैट देखा वो कैसा लगा? काफ़ी अच्छा है रीजन से, नो डाउट कि पहले से उनका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा रहता ही है। जैसे कि टिटवाला में हुआ, नियर बाय ये नेक्स्ट स्टॉप जो है अपना डोंबिवली में, वो भी काफ़ी अच्छा है। और शायद
100% यहाँ पे ही सोच रहे कि यही पे लेंगे। इस तरह उन्होंने लॉन्चिंग किया और काफी अच्छा है। ओके, और आप हमें बताइए कि आपने मतलब आप कहाँ पर रहते हो? मैं कल्याण में रहता हूँ। ओके, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लॉन्च हो रहा है? उनका एड पेपर में भी आया था, होल्डिंग्स भी काफी मैंने देखे थे और उनका मींस एड भी देखा था, वेबसाइट पे भी देखा था। ओके, आप जब भी आए थे यहाँ पे तो आपने क्या एक्सपेक्टेशंस, आपने कुछ सोचा रहेगा कि आपको कुछ एमिनिटीज चाहिए, तो आपने क्या सोचा था, कौन से एमिनिटीज सोचते कि क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो, मॉल्स हो, ऑल दैट, वो सब रहेगा तो फिर बेसिक अच्छी लाइफस्टाइल हो। ओके, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब अंदर ही मिल जाए तो किधर जाने की जरूरत नहीं। ओके, और आप हमें बताइए कि आपने जब वो सैंपल फ्लैट देखा तो आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? सैंपल फ्लैट में जो सैंपल फ्लैट्स में तो स्पेस भी काफ़ी बड़ा है और जो गैलरी वगैरह दी हुई है बेडरूम में, हॉल में और किचन में, वो शायद ही किसी ने दिया हो। मैंने आज तक कल्याण में रहता हूँ, मैं किसी ने तीनों में मींस गैलरी दिया हुआ नहीं। ओके, तो आपको जो नेचर वाइज है कि गैलरी में बैठ के मस्त में यू कैन हैव द टी कॉफी टुगेदर, ओके थैंक यू। तो कभी बुक कर रहे हो आप सर? अभी बोला है उन्होंने कल आने के लिए आफ्टरनून में, अगर नंबर लग जाएगा तो ठीक है, तो संडे को। ओके, थैंक यू सो मच।